नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हेल्थ एजुकेशन एंड योगा के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके गैस पेपर के थ्रू रहेंगे। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। यूनिट वाइज कंटेंट तो नहीं करना है, अब जैसे कि लास्ट है बिल्कुल और आपका दो ही एग्जाम बचे हैं और फिर आपके एग्जाम बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। तो हेल्थ एजुकेशन एंड योगा के गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं गैस पेपर के थ्रू आपको बताऊंगा इसमें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% वहीं से ही आपका पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। हेल्थ एजुकेशन एंड योगा की अगर मैं बात करूँ तो तीन चार पाँच टॉपिक हैं, वहीं से घुमा फिरा के हर बार आपका एग्जामिनर आपका क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, ट्वेल्कन यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड सेकंड ईयर में है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हमारा चैनल आपके लिए रहेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका रिपीट होता है। ठीक है ना, यानी कि और बैलेंस डाइट है ना, हेल्थ और बैलेंस डाइट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार हर साल देखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछता है लेकिन टॉपिक आपका सेम ही रहता है। ठीक है, स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा संतुलित आहार के महत्व का वर्णन कीजिए, पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो पूछा गया फिर से बैलेंस डाइट के बारे में पूछा गया कि संतुलित आहार के महत्व की व्याख्या कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा संतुलित आहार के महत्व का वर्णन कीजिए, एकदम बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया बैलेंस डाइट को लेकर के संतुलित आहार से आपका क्या आशय है, विद्यार्थी हेतु इसका महत्व बताइए, तो बैलेंस डाइट अगेन आपका रिपीट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से बात करते हैं जो कि आपका फिर से वही है, संतुलित आहार के महत्व का वर्णन कीजिए, बैलेंस डाइट। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि संतुलित आहार को परिभाषित कीजिए तथा संतुलित आहार उत्तम स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है वर्णन कीजिए, ना फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए ना, ये आपका लॉन्ग में से ही शॉर्ट क्वेश्चन उठा के बना दिया उन्होंने, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है आपका बैलेंस डाइट और आपका हेल्थ, है ना। तो ये दोनों टॉपिक आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है, 100% आपका आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपका पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा और योग से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों की व्याख्या कीजिए, है ना। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि स्वास्थ्य के आयाम को समझाइए। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि अच्छे स्वास्थ्य से आपका आपका क्या आशय है, इसके विभिन्न आयामों तथा निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि विद्यालय स्वास्थ्य का अभिप्राय क्या है, एक विद्यालय शिक्षक के रूप में आप इसे विद्यालय में कैसे लागू करेंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया था फिर से वही रिपीटेड के विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अध्यापकों की भूमिका की चर्चा कीजिए, ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला रिपीटेड है, एक ही आंसर आपका इसमें चल जाएगा। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, योग। योग को लेकर भाई बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, हर साल हर बार आएगा जरूर, इस साल भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं, योग की योग को परिभाषित कीजिए, विभिन्न प्रकार के योग का वर्णन कीजिए एवं योग के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि योग को परिभाषित कीजिए, अगेन रिपीट, और योग आसन के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो योग योग से रिलेटेड पूछा गया कि योग कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पूछा गया कि योग क्या है, योग की किन्हीं चार अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से, योग से ही अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि योग आपका बहुत ज्यादा आपका रिपीट हुआ है। योग का अर्थ लिखिए, योग की भ्रांति को प्रस्तुत कीजिए, अष्टांग योग की 8 अवस्थाओं की गणना कीजिए, ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया योग से, योग की उपयोगिता लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि योग का ऐतिहासिक वर्णन करते हुए योग के प्रकारों को विस्तार से समझाइए। नेक्स्ट जो पूछा गया कि योग आसन का महत्व बताइए, तो भाई योग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस से भाई इतना ज्यादा बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल आता है। बात करते हैं क्वेश्चन की, तनाव क्या है, इसकी प्रकृति एवं प्रकारों पर प्रकाश डालिए, साथ ही उन तत्वों की विवेचना कीजिए जो मानव कम अथवा अधिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पूछा गया स्ट्रेस से रिलेटेड कि मानव से तनाव सॉरी तनाव से आप क्या समझते हैं, उन तनावों की विवेचना कीजिए जो तनाव कम अथवा अधिक करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया स्ट्रेस से रिलेटेड कि तनाव प्रबंधन क्या है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि तनाव के प्रकारों की व्याख्या बताइए। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया तनाव से क्या समझते हैं, तनाव के लक्षण एवं रोकथाम की विवेचना कीजिए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस, हर साल हर बार आता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हर साल हर बार पूछा जाता है, फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इतना ज्यादा बार आपका पूछा गया है और इस साल भी आपका पूछा जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की कि शारीरिक दक्षता के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि आप विद्यार्थी की शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि शारीरिक दक्षता का अर्थ समझाइए तथा उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो पूछा गया कि शारीरिक दक्षता के फायदे को लिखिए। तो फिजिकल फिटनेस पढ़ के जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से अभी आपका फिजिकल फिटनेस ही चल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, आप विद्यार्थी की शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट जो आपको पूछा गया है कि फिजिकल फिटनेस के अर्थ को लिखिए और उसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पूछा गया है स्कूल स्तर पर शारीरिक क्रियाओं को महत्व। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका पूछा गया है कि विद्यालय में शारीरिक उपयोगिता के आकलन के बारे में लिखिए एवं इसके लाभों की विवेचना कीजिए। तो फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, हर साल हर बार आता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर से देखिएगा, फिजिकल फिटनेस को लेकर और क्वेश्चन आए हैं। शारीरिक उपयुक्तता को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि शारीरिक दक्षता को परिभाषित कीजिए तथा मानव जीवन में इसके लाभ। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, अगेन रिपीट क्वेश्चन। तो फिजिकल फिटनेस आपको करके ही जाना है, 100% आएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राणायाम। प्राणायाम के क्वेश्चन भी आपके देखे गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि विभिन्न योगासन एवं प्राणायामों की एक सूची तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि प्राणायाम की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था कि प्राणायाम क्या है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से रिलेटेड है। ध्यान काफी ज्यादा आपका बार पूछा गया है, हर बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, ध्यान को परिभाषित कीजिए, वह विद्यार्थी हेतु तो किस प्रकार उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया ध्यान से रिलेटेड यानी कि मेडिटेशन से रिलेटेड, कि ध्यान को परिभाषित कीजिए, यह विद्यार्थी हेतु तो किस प्रकार उपयोगी है। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया कि ध्यान का अर्थ क्या है, किन्हीं दो ध्यान तकनीकों को संक्षेप में लिखिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट ये तो नहीं है, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्यान का अर्थ है, ध्यान का अर्थ क्या है, मानव नियंत्रण में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान को भी आपको, मेडिटेशन को भी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि योग से संबंधित भ्रांतियों का उल्लेख। रिपीट क्वेश्चन है, योग में भी आपका आया था ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बार आया है लेकिन इंपॉर्टेंट रहता है, कि संचार के साधनों की स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार में भूमिका बतानी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मींस ऑफ कम्युनिकेशन इन द एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं सभी, ये थे आपके हेल्थ एंड एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को बताए हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। रॉयल खान यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो बहुत ज्यादा वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। गैस पेपर की ही वीडियो देखनी है, मैंने हर बार बताया है कि यूनिट वाइज कंटेंट को नहीं देखना है, गैस पेपर की वीडियो देख के जाइएगा, वहीं से 100% आपका एग्जाम आता है और आ भी रहा है, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे खुश हैं और काफी सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा भी गया है। जल्दी सीटेट और यूपीटेट की क्लास भी अनाउंस तो कर दी है, लेकिन स्टार्ट करेंगे सीटेट और यूपीटेट की जो क्लास स्टार्ट है आपकी 28 सितंबर से स्टार्ट है, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो 27 को खत्म है, तो क्लास आपकी 28 सितंबर से स्टार्ट है, ठीक है। तो चैनल पे बने रहेगा, जुड़े रहेगा, अपना ध्यान रखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने घर वालों का ध्यान रखेगा। थैंक यू, नमस्ते, टाटा, धन्यवाद।